मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में बनाए जा रहे बायो मिथिलेशन गैस प्लांट के निर्माण में यूरोप से आने वाले उपकरण के कारण हो रही है देरी, लेकिन आते ही जल्द पूरा होगा निर्माण कार्य। इस प्लांट से लगभग 500 टन बायो मिथिलेशन गैस उपलब्ध हो सकेगी। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने दी जानकारी। इंदौर में निर्माण हो रहे बायो मिथिलेशन गैस प्लांट का कार्य लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन कई उपकरण यूरोप से आने के कारण प्लांट निर्माण में देरी हो रही है। प्लांट का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है, जैसे ही यूरोप से अन्य उपकरण आएंगे प्लांट के अन्य उपकरणों से जोड़कर इसका निर्माण कर दिया जाएगा। इस पूरे कार्य में लगभग 2 माह का वक्त लगेगा। यदि अन्य उपकरण समय से इंदौर पहुंच जाते हैं तो इस प्लांट का शुभारंभ अक्टूबर और नवम्बर के बीच में कर दिया जाएगा। जो 500 टन पर डे की क्षमता का हम लोग बायो मिथिलेशन प्लांट बना रहे हैं वो लगभग नवंबर में बनके तैयार होगा। उसमें जो बेसिक सिविल का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरा बनके तैयार हो गया है देवगुराड़िया में। अब उसके ऊपर जितना भी कई सारे पार्ट्स हैं जो यूरोप से आ रहे हैं उनमें से सबकी शिपिंग हो गई है, तो ये हम लोगों को अगस्त लास्ट तक सभी प्राप्त हो जाएंगे और 2 महीने में उसका असेंबलिंग होगी पूरा। तो प्लांट 31 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में शुरू हो जाएगा।